नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर शहर को भिक्षुक मुक्त शहर बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। बड़े लंबे समय से नगर निगम भी इस पर काम कर रहा है। जगह जगह चौराहे पर भिक्षा वृत्ति करने वाले लोग देखने के लिए मिलते हैं, जो छोटे बच्चों का सहारा लेकर भीख मांगते हैं। ऐसे में अब इंदौर कलेक्टर ने कड़ा कदम उठाया है, जिसमें 15 फरवरी से इंदौर शहर में एक भी भिक्षुक नहीं दिखेगा। वहीं लोगों से भी अपील की है कि भिक्षुओं को भीख देना बंद करें। वहीं निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले इंदौर कलेक्टर ने बैठक ली थी, जिसमें मल्टी डिपार्टमेंट की एक टीम बनाई है, जिसमें महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय और अन्य टीम मिलाकर एक टीम बनाई गई है, जिसमें लॉजिस्टिक और तमाम तरह के जो सपोर्ट होते हैं वो नगर निगम की टीम जरूर करेगी। इसमें जो अभी कलेक्टर साहब ने कुछ दिन पहले बैठक लिया था, उसमें एक मल्टी डिपार्टमेंट उन्होंने एक टीम बनाई है, जिसमें महिला बाल विकास की टीम है, सामाजिक न्याय विभाग की टीम है, जो उस तरह के विभाग हैं जो डायरेक्टली कलेक्ट्रेट के अंदर हैं, उनकी एक टीम बनी है। डेफिनेटली लॉजिस्टिक और तमाम तरह के जो सपोर्ट होते हैं उस पर नगर निगम अपना सहयोग डेफिनेटली करेगा। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।